हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक जीरो डेट फ्री कंपनी बताऊंगा। इस कंपनी को भाई कोई और दूसरी कंपनी टक्कर भी नहीं दे सकता है। नंबर वन कंपनी है। आप लोग इस कंपनी में मंथली बेस आईपी कर सकते हो, लमसम में पैसा लगा सकते हो, जो करना है करो, लेकिन इस कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह देना। 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो भाई, तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। आप लोग का भाई पैसा भरा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते। नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो वेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू जल्द देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता करें, कंपनी के धंधे के बारे में पता करें। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनकी प्रोडक्ट अच्छे, उनकी सर्विसेज अच्छी, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है, तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 15 में था, वो 4,398.07 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 6,094.66 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। ईयर टू ईयर वाइज 4,398 से 6,094 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 4,440.84 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 6,286.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज 4,440 से 6,286 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 760.60 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1,291.91 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 760 से 1,291 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 803.37 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1,483.42 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 803 से 1,483 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ, क्वालिटी कंपनी है भाई, नंबर वन कंपनी है। आने वाले समय में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। तो पैसा लगाइएगा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइएगा। बढ़िया कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो तो पैसा बनेगा ही। कोशिश कीजिए, क्वालिटी कंपनी है पैसा लगाने का, आलतू फालतू कंपनी भाई पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 519.46 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 979.44 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टू ईयर वाइज, 519 से 979 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 501.86 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 979.44 हो चुका है।
और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 9.79 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 19.28 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है इसका एनुअल ईपीएस ईयर टीयर वाइज, 9 से 19 हो चुका है और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। तो भाई मुझे इसका ईयर टू रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। क्वालिटी कंपनी है भाई, नंबर वन कंपनी है, आने वाले सालों में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है, तो खरीद के भूल जाओ। एक एक शेयर भी खरीदोगे भाई, दो दो शेयर भी खरीदोगे तो आप एक दिन बहुत बड़ा पैसा बना लोगे, करोड़पति अरबपति बन जाओगे। पिडिलाइट इंडस्ट्री का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, आप सभी लोग भाई फेविकॉल को तो जानती होंगे, फेविकॉल जो है भाई वो पिडिलाइट इंडस्ट्री का ही ब्रांड है, और भी कई सारे भाई पिडिलाइट इंडस्ट्री का ब्रांड है, जैसे फेविक्विक, एम सील, आपको मैं ब्रांड भी दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्रांड पे गया, आवर ब्रांड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो फेविकॉल, फेविकॉल एम आर, डॉक्टर फिक्सिट, ये भैया वाटर प्रूफिंग के काम में आता है, छत ढलाता या फिर बाथरूम वाथरूम का भाई काम होता है तो डॉक्टर फिक्सेट को डाला जाता है। फेविक्विक 5 रुपये में भैया मिलता है, एम सील, फेवी स्टिक, और भी भाई बहुत सारे इस कंपनी के ब्रांड्स हैं, तो आप लोग इस कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप अदर ब्रांड में देख सकते हो, मोटो, मैक्स, रूफ, रंगीला, टर्मिनेटर, ये सब लकड़ी भाई डाला जाता है ताकि लकड़ी में कीड़े ना लगें, फेवी गम। तो आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, बढ़िया कंपनी है भाई, इसकी जैसी दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं, और ये कंपनी भाई लगातार रिटर्न बना के दे रहा है। फर्स्ट टाइम मैं इस कंपनी पे 800 रुपये वीडियो बनाया था, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ वो वीडियो, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे भाई मैं 800 रुपये वीडियो बनाया था फर्स्ट टाइम इस कंपनी पे, इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। तो बढ़िया कंपनी है, आप लोग पैसा लगाइए, ये कंपनी आपको एनुअली आराम से 35% 40% का रिटर्न बना के दे सकता है, और भैया क्वालिटी कंपनी है, इस कंपनी में आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, आप किसी भी प्राइस में खरीद लेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। बहुत लोग बोले हैं कि पिडिलाइट इंडस्ट्री बहुत महंगा स्टॉक है, तो भैया महंगा तो है, जब ये स्टॉक 100 रुपये का था भाई तब भी महंगा था, 200 रुपये का था तब भी महंगा था, 500 रुपये का था तब भी महंगा था, आज भी महंगा है, आने वाले सालों में महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला है। तो खरीदिए पिडिलाइट इंडस्ट्री को, साल में आपका 35-40% रिटर्न कहीं नहीं गया है। मैं इस कंपनी पे फर्स्ट टाइम वीडियो 800 रुपये में बनाया था, और भैया आज के टाइम में इस कंपनी का प्राइस 1427 रुपये के आसपास चल रहा है। एक एक दो दो शेयर खरीद के भी आप बहुत बड़ा पैसा बना लोगे 20-25 सालों में, तो खरीदिएगा, महंगा है लेकिन रिटर्न भी इसी टाइप की कंपनी में बनेगा। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का, कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये कंपनी पिछले 10 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया भाई, वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और भैया आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 1272.75% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा 10 साल में। 10 साल में स्टॉक 12 गुना हो चुका है भाई, 12 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। सेंसेक्स रिटर्न है वो 138.57% रिटर्न है, 3 साल में देख लो, 3 साल में कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 122.80% रिटर्न है। सेंसेक्स रिटर्न है 54.02% रिटर्न है, 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में 25.32% रिटर्न है। सेंसेक्स रिटर्न है 17.01% रिटर्न है, ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में 2.70% रिटर्न है। सेंसेक्स रिटर्न है 1.69% रिटर्न है, 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में 7.59% रिटर्न है। सेंसेक्स रिटर्न है 2.30% रिटर्न है, 1 वीक में देख लो, 1 वीक में 1.79% रिटर्न है। सेंसेक्स रिटर्न है 2.65% रिटर्न है, 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में -0.10% रिटर्न है। सेंसेक्स रिटर्न है
0.22% है, तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में पिडिलाइट इंडस्ट्री को जगह दीजिए। क्वालिटी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है, आने वाले सालों में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है। 30-35%, 40% रिटर्न भाई आपका साल में कहीं नहीं गया है। यही सब कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। पिडिलाइट इंडस्ट्री का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 69.71% होल्डिंग है, FIS के पास जो होल्डिंग है पिडिलाइट इंडस्ट्री में 11.1% होल्डिंग है। आने वाले सालों में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है भाई। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है पिडिलाइट इंडस्ट्री में 4.48% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है पिडिलाइट इंडस्ट्री में 3.87% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है पिडिलाइट इंडस्ट्री में 0.44% होल्डिंग है। नॉन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है पिडिलाइट इंडस्ट्री में 10.40% होल्डिंग है। कोई भी शेयर पिडिलाइट इंडस्ट्री का भाई प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एक्सिस मल्टी कैप फंड के पास जो होल्डिंग है पिडिलाइट इंडस्ट्री में 3% होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है पिडिलाइट इंडस्ट्री में 8.9% होल्डिंग है। वैल्यूएशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पिडिलाइट इंडस्ट्री का। पी रेशियो पिडिलाइट इंडस्ट्री का 65.71 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू पिडिलाइट इंडस्ट्री का 16.54 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड देख लो भाई 0.46% का है, तो भैया ये कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है। पिडिलाइट इंडस्ट्री का भाई ROC देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, 41.36% का है, जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। 41% का ROC बहुत ही अच्छा माना जाता है। ROE देख लो 25.17 का, तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड ROC ROE बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। वैल्यूएशन देख लो भाई वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है, तो भैया मैं आपको बता दूं ये स्टॉक जब 85 रुपये का था ना तब भी महंगा था, 100 रुपये का था तब भी महंगा था, 200 रुपये का था तब भी महंगा था, 600 रुपये का था तब भी महंगा है, आज भी महंगा है, आने वाले सालों में महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला है। जब मैं इस मार्केट में भाई नया नया आया था ना, तो पिडिलाइट के बारे में जितने भी एनालिस्ट है सभी बोलते थे कि बहुत महंगा स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है, और आज देख लो भाई ये स्टॉक 1427 रुपये का हो चुका है। क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ पिडिलाइट इंडस्ट्री का, एक्सेलेंट बता रहा है भाई। सेल्स ग्रो जो 5 ईयर का पिडिलाइट इंडस्ट्री का 9.43% का, एबिट को देख लो 16.21% का, जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिएगा और लॉन्ग टर्म के लिए जगह दीजिएगा। ये भैया SIP वाला स्टॉक है, साल में आपका 35-40% रिटर्न कहीं नहीं गया है, और सबसे बड़ी बात पिडिलाइट इंडस्ट्री में आपका पैसा सेफ रहेगा, जीरो डेट फ्री कंपनी है। पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड का 52 वीक हाई है वो 1494 रुपया, 52 वीक लो है 1048.85 रुपया। मार्केट कैप देख लो भाई अच्छा खासा मार्केट कैप है, 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले सालों में भाई इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का भी होगा, 2 लाख करोड़ का भी होगा, 5 लाख करोड़ का भी होगा, 10 लाख करोड़ का भी होगा। तो आप लोग अभी से पैसा लगा के रखिए, क्वालिटी कंपनी है भाई, नंबर वन कंपनी है, साल में आपका आराम से 35-40% रिटर्न बन जाएगा। पिडिलाइट इंडस्ट्री का पी जो है 67.16 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई 44.67 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले पिडिलाइट इंडस्ट्री का पी हाई है। बुक वैल्यू जो है पिडिलाइट इंडस्ट्री का वो 82.42 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो 21.25 का अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो भाई पिडिलाइट इंडस्ट्री का 0.46% का, तो भैया ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। फेस वैल्यू 1 का है, तो आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, जीरो डेट फ्री कंपनी है भाई। इस कंपनी का ROC ROE भी बहुत ही बढ़िया है, साल में आपका 35-40% रिटर्न बन जाएगा, लॉन्ग टर्म में भाई इससे ज़्यादा ही बनेगा। अभी तो सिर्फ 75-76 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप है। यही सब कंपनी में आप पैसा लगा के 20-25 सालों में करोड़पति अरबपति बन सकते हो, और भैया इस कंपनी में आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो पहले आप अपने पोर्टफोलियो में सेफ कंपनी को जगह दीजिए। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।